हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई, रात को जो है वो ढक्कन चोर लाइव आया था और उसने अपनी लाइव में आके क्या क्या बकवास किया है, कितनी गंदगी फैलाई है वो। आई होप अब तक सभी ने देख ली होगी और जिसने नहीं देखी है उसको यहाँ से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा वीडियो से। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी बात होने वाली है ढक्कन चोर की। रात को वो लाइव आया था और उसने लाइव आके जो है वो बहुत ही गंदगी अपने मुंह से निकाली है और बहुत कुछ बोला है। सना सिस्टर और इमरान भाईजान के बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत गंदा उनको बोला है। लेकिन ढक्कन चोर, मैं तुझे ये बोलना चाहती हूँ कि अब जो तेरी हालत होने वाली है ना, तू देख देख के रोएगा कि मैंने कहाँ पंगा ले लिया, ठीक है, कि मैं कहाँ फंस गया, मैंने इन लोगों से पंगा क्यों ले लिया। और क्या बोल रहे तू कि मेरा घर तुड़ाने में जो है वो सना और इमरान का हाथ है, है ना, इन दोनों का हाथ है, इन दोनों ने जो है वो हमें मिलाने की कोशिश नहीं की, मेरा घर संसार तुड़वा दिया। तो अच्छा, घर तेरा घर संसार जो है वो सना सिस्टर और इमरान भाईजान ने तुड़वाया है। उन सब के जो है ना जीते जागते प्रूफ हम लोग हैं, ठीक है, पूरी पब्लिक बैठी है कि उन लोगों ने किस तरह से तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का, ठीक है, पैचअप करवाने की कोशिश की थी। और वो वही लोग हैं, शायद तू भूल गया होगा क्योंकि ये तेरी आदत है कि तू जिस थाली में खाता है ना उसी में छेद करता है, ये तेरी आदत है। तू भूल गया होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जब तेरी बीवी ने तेरे को लाते मार के घर से निकाला था ना और धक्के देकर, या तू घर से भाग गया था, ठीक है, उससे मार खाकर आज तू बड़ा मर्द बन के फिर रहा है ना कि मर्द हूँ, मूछों पे ताव दे रहा है। तो तू वही मर्द है जो अपनी बीवी से पिट कर घर से भागा था, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरा सपोर्ट किया था, तुझे अपनी लाइव में बैठा के, और इन लोगों की वजह से ही तेरी इमेज जो है वो लोगों के बीच में अच्छी बनी थी कि नहीं यार, बुड्ढे के साथ जो है वो अत्याचार हुआ है, ठीक है। तब लोगों ने जो है वो चाची 420 के बारे में बोलना शुरू किया था। और क्या बकवास करते कि किसी यूट्यूबर को मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो बेटा, सबके पास रिकॉर्डिंग है और ये जो सारी चीज़ें यूट्यूब पे फैलाई हुई हैं ना, तो नहीं, ये सारी चीज़ें तेरी हैं कि वो लड़कियों की सप्लाई करती है, वो दुबई गोल्ड स्मगलिंग करने गई थी और भी पता नहीं क्या क्या तूने यूट्यूबरों के साथ बात की हुई है, ठीक है। और यूट्यूबरों से मेरा मतलब है बाकी यूट्यूबर्स के साथ, मेरी आज तक बुड्ढे के साथ कभी भी बात नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके साथ जो है बुड्ढा बात करता था और ये सारी चीज़ें बोलने को बोलता था अपनी वीडियोस में कि तुम ऐसा बोलो, ठीक है। तो ये बात है। और एक बात है कि जब तक इस बुड्ढे के हिसाब से तुम लोग चलोगे ना, तब तक ये बुड्ढा बहुत अच्छा है, बच्चा, जैसा कि सना सिस्टर के साथ हुआ। और जैसे ही तुम अगर इस बुड्ढे के अंगेज जाओगे या कुछ भी करोगे तो फिर ये उल्टा तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाएगा, जिस थाली में खाएगा ना उसी पे छेद करेगा ये बुड्ढा, ठीक है। तो ऐसी बात है। और जिसको ये सना सिस्टर की लाइव आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी कितनी सारी बातों का खुलासा हुआ है कि जिस रेहाना बोस को ये बहुत कल बोल रहा था कि वो बहुत अच्छी लेडी है, उसका पैसा गया है, ये है वो है, वो बोलेगी, उसको इसने पता नहीं कितनी गंदी बातें बोली है उस लेडी के बारे में। तो यहीं से जो है ना इंसान की औकात पता चल जाती है, उसकी जो असलियत है ना वो यहीं से सामने आ जाती है। और वैसे भी चल, रेहाना बोस तो यार दूसरी औरत है, जिस इंसान ने अपनी वाइफ की सोशल मीडिया पे उसको नंगा कर दिया, उसकी कैसी कैसी बातें वो सोशल मीडिया में लेकर आया सामने, तो रेहाना बोस तो बहुत दूर की बात है। तो ये इंसान जो है ये मर्द कहलाने के लायक है ये, और इसको बहुत घमंड है ना अपने केले और चीकू के ऊपर। तो मैं तो चाहती हूँ कि सना सिस्टर, इमरान भाईजान और ये चाची 420 और रेहाना बोस, ये तीनों चारों बंदे मिलके जाएं और सबसे पहले तो इसका केला और चीकू उखाड़ें, उसके बाद इससे जो है वो बाकी 15 लाख की बातें करें बाद में, ठीक है। और मतलब यार, इतना इंसान, इतना, एक तो कहते हैं ना चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ठीक है। 15 लाख का खुलासा भी हो ही गया है लगभग, कि 15 लाख भी इसी ने लिए थे। इसने रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि मैंने 15 लाख जो रेहाना बोस से लिए थे वो सायरा की जी तक को भी पता नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो 15 लाख हैं वो पूरे के पूरे इसी ने खाए होंगे। बाद में जो आप लोगों को क्या लगता है कि जब चाची 420 को पता चला होगा कि 15 लाख इसने लिए हैं, तो उसने क्या छोड़ दिया होगा इसको, बुड्ढे को, इससे पैसा नहीं लिया होगा? लिया होगा, क्योंकि अब ये नहीं पता भाई ये बात सच है या झूठ है, लेकिन ये अपने मुंह से बोलता है कि ये 90,000 जो है वो हर महीने घर खर्च देता था अपनी वाइफ को, लेकिन इसकी औकात देके लगता है कि ये देता होगा,
मुझे तो नहीं लगता, लेकिन लोगों के साथ तो इसने यही सारी बातें जो है वो की हुई हैं सभी यूट्यूबर्स के साथ, ठीक है। और अभी तो जो बेचारा ये बना हुआ था ना सोशल मीडिया पे कि बेचारा है इसके साथ बुरा हो गया, है इसके साथ बुरा हो गया, अभी ये थोड़ी दिन हुए, ठीक है 10-12 दिन हुए कि इसकी असलियत जो है ना, जो इसका असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया कि नहीं, सारा जो ये पूरा खेल रचाया हुआ था ना, पूरी जो ये गेम रचाई हुई थी ये सारी की सारी इस बुड्ढे की थी, और ये सब कुछ था सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को बदनाम करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो भी बहुत दूध की धुली हुई है, ठीक है वो भी वैसी ही है, ठीक है 420 तो वो भी है, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी जो ये गंद मचाया हुआ है ना सोशल मीडिया पे पिछले 5-6 महीने से, ये सबसे ज़्यादा इस कुत्ते का मचाया हुआ है, इस हरामी ढक्कन चोर का मचाया हुआ है। सारे यूट्यूबर्स को पहले गलत गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तुम ऐसा बोलो अपनी वीडियो में, तुम ऐसा बोलो, और आज क्या बोल रहा है कि नहीं मेरी तो किसी यूट्यूबर से बात नहीं हुई। चले अगर तू इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तो जब कुरान पाक की कस्में खा सकता है तो तू किस हद तक गिरा हुआ इंसान होगा, तू तो साले मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसको 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 हरामी को ना पकड़ के टकला करो, और इसकी दाढ़ी मूछ मुंडवा के इसको इसका मुंह काला करके जूतों की माला इसको पहना के जो है ना वो गधे पे बैठा के इसको पूरे बॉम्बे का चक्कर लगवाओ, बॉम्बे का और सूरत का, ताकि हर जगह जो है वो इसकी सच्चाई पता चले लोगों को। और क्या धमकी दे रहा था कि जो भी छोटे यूट्यूबर हैं वो सोच समझ के बोलना, नहीं तो मैं स्ट्राइक मारूंगा सबको। तो मार लेना, पहले भी तो तूने सबको स्ट्राइक मारी थी, नहीं मारी थी क्या? पहले तो खुद ही तूने यूट्यूबर्स को बोला, छोटे यूट्यूबर्स को कि तुम ये बोलो मेरे लिए वीडियो बनाओ, फलाना बनाओ, फिर तूने अपनी वाइफ की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जो है वो सबको स्ट्राइक मारी, सबको, ठीक है सना सिस्टर को भी जिसने तुम्हारा तेरा इतना साथ दिया उसको भी तूने स्ट्राइक मारी, और बाद में उनसे बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को उसको दिखाने का है। क्यों मतलब उसके सामने तुझे अच्छा बनना है, बाकी सारे यूट्यूबर्स को तूने गलत बना दिया, सना सिस्टर को तूने गलत बना दिया और तुझे उसकी नज़रों में अच्छा बनना था। खैर तेरी असलियत तो अब उसके सामने भी आ ही गई है, ऐसा नहीं है आ गई है, और चलो अभी तो जो रही सही कसर है ना, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सना सिस्टर, इमरान भाईजान, रेहाना बॉस, और ये अपना जो भी है ये इरफान भाईजान का एक नाम आ रहा है जिसको इसने बोला है कि हाँ वो इसने भी पैसे, जिन जिन लोगों के बारे में इसने कुछ भी गंदा बोले, कुछ भी गलत बोला या झूठ बोला ना, सारे मिल के जाओ और इसको वहाँ पे ना मैं कहती हूँ जूते मारो, जो बचे खुचे बाल है ना इसके सिर पे वो भी सारे उतर जाएं। इतना गंदा इंसान और इतना झूठा इंसान लाइफ में ही पहले, कहते ना हजार हजार कमीने मरे होंगे, हजार झूठे इंसान और हजार गंदे इंसान मरे होंगे ना, तब जाके ये हरामी बुढ़ा पैदा हुआ है।